नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे ही वर्षा काल शुरू होता है, अनेक प्रकार की वनस्पतियां यहां उत्पन्न होती हैं और चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो वनस्पति आपको दिखा रहे हैं, जो घास दिखा रहे हैं, यह बहुत ही चमत्कारिक गुणों से भरी हुई है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, देख लीजिए और अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। इसका नाम है चांगेरी। इसे कहीं कहीं तिनपतिया के नाम से भी जानता है और कहीं कहीं इसे खट्टी मीठी घास भी लोग बोलते हैं। दोस्तों, बच्चे इसकी पत्तियों को बड़े चाव से खाते हैं। हम लोगों ने भी बचपन में इसकी तिनपतिया की पत्तियों को खाया है। और हम लोग जब घूमते हैं वनस्पतियों या जड़ी बूटियों के तलाश में, तो अक्सर जहाँ मिल जाती है इसकी पत्तियों को हम लोग खाते हैं। इसका स्वाद खट्टा मीठा होने की वजह से बड़ा ही लाजवाब लगता है। इसकी लोग चटनी भी बना खाते हैं, इसका साग भी बना खाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस चांगेरी का प्रयोग करके किन किन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, इस चांगेरी का प्रयोग करके आप अपने गंदे पीले दांतों, काले दांतों को साफ कर सकते हैं, दांत की हर समस्या को दूर कर सकते हैं, दांत के दर्द को मिटा सकते हैं, दांत के कीड़ों को मिटा सकते हैं। दोस्तों, इस चांगेरी का प्रयोग करके अपने मुंह के छाले और मुंह की दुर्गंध को दूर किया जा सकता है। इसका प्रयोग करने से दोस्तों डाइजेशन आपका ठीक रहेगा, अपने डाइजेशन को ठीक रख सकते हैं, पाचन क्रिया को ठीक रख सकते हैं। दोस्तों, इस चांगेरी का प्रयोग करके आप अनेकों बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके सिर में दर्द है तो उससे आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, यह मूत्रल होने की वजह से मूत्र विकारों से भी छुटकारा दिलाती है। यहाँ तक कि दोस्तों, यह नशाखोरी को समाप्त करने वाली औषधि है। इसका प्रयोग करके आप नशा से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस चांगेरी का प्रयोग किस तरीके से, किस बीमारी या किस परेशानी में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके दांत गंदे पीले और काले हो गए हैं, तो आप क्या करें, इस चांगेरी की पत्तियों को पीस करके इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएं। हल्दी पाउडर और नमक मिक्स करके अपने दांतों की मसाज करें। आपके दांत एकदम से मोतियों जैसे चमकदार होंगे। दांत दर्द और कैविटी से छुटकारा मिलेगा, तथा अगर आपके दांतों में कीड़े होंगे तो वो भी मर करके बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपको नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष की प्रॉब्लम रहती है जिन युवाओं को, तो क्या करें, कंटिन्यूअस सुबह में इस चांगेरी की पत्तियों का रस 50 ml की मात्रा में हल्का सा नमक मिलाकर के पिएं। नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और आपके आंत की गर्मी को शांत करती है, और जिसकी वजह से आपको नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष नहीं होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके सिर में दर्द रहता है, आप परेशान रहते हैं सिर दर्द से, तो इसकी पत्तियों को पीस करके पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अपने ललाट पर छाप लें। इससे जो आपके सिर का दर्द है 5 मिनट के अंदर ही समाप्त हो जाता है। यह शीतलता इतना प्रदान करने वाली औषधि होती है। दोस्तों, ये चांगेरी की जो पत्तियां होती हैं, यह आपके डाइजेशन ठीक करने के लिए बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती हैं। अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े को अगर डाइजेशन से संबंधित कोई भी गड़बड़ी है, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है, तो इसकी पत्तियों को चबा करके खाएं सुबह में। इससे आपका डाइजेशन एकदम ठीक रहता है, आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप इसकी पत्तियों का साग बना करके खाते हैं या फिर इसकी पत्तियों का रस पीते हैं, तो आपकी जो आंत है वह हमेशा स्वस्थ रहती है, आंत का इन्फेक्शन समाप्त होता है, दस्त की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। मूत्रल होने की वजह से दोस्तों मूत्र विकारों को समाप्त करती है। अगर आप इसकी पत्तियों का रस कंटिन्यूअस सुबह में पीते हैं, तो इससे मूत्र विकार नष्ट होते हैं, यानी कर्क रोग की प्रॉब्लम, पेशाब में जलन या पेशाब की रुकावट को यह दूर करती है। इसके साथ साथ अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, तो इन पत्तियों का पेस्ट बनाइए। दही लीजिए 1 कटोरी और कम से कम 2 चम्मच इसका पत्तियों का पेस्ट, 2 पीस काली मिर्च मिलाइए और उसमें थोड़ा सा देसी गुड़ मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह में आप सेवन कीजिए। आपका बवासीर जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके किसी अंग पर घाव हो गया है, तो चांगेरी की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट लगाइए, इससे आपका घाव बहुत ही जल्द भर जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके किसी भी अंग में गांठ हो गया है, तो इस चांगेरी की पत्ती का पेस्ट, हल्दी पाउडर तथा देसी घी
को गर्म करके आप वहाँ पर रखें, आपका गांठ बहुत ही जल्द गल जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ यह सबसे बड़ा काम करती है आपको नशा मुक्ति दिलाने के लिए, यानी नशा खोरी को दूर करने के लिए बहुत ही रामबाण औषधि की तरह से काम करती है। अगर शराब दारू पीने की आदत है, गांजा अफीम या किसी भी चीज़ की आपको लत है, तो क्या करें, आप चांगेरी की पत्तियों का रस कंटिन्यूस सुबह में 50 ml की मात्रा में पिएं, नशा की आदत छूट जाएगी, नशा की इच्छा आपको नहीं होगी। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।